इतनी तेज बाढ़ आते ही लोग तैराक बाढ़ को कैसे पार कर लेते हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियों में लोग आगे पार कैसे कर जाते हैं। इतना भयंकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया फिर भी 6 महीने का बच्चा बच गया, कैसे बच गया? कुछ पुरुषार्थ होता है, कुछ अतीत का पुरुषार्थ है, कुछ वर्तमान का पुरुषार्थ है। हमारे पक्ष में वो ताकत है कि हम चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। 90% अपने हाथ की रकीलों को व्यक्ति बाहुबल के बल पर बदल सकता है। 90% कर्म प्रधान देश है, ये कर्म भूमि है, भाग भरोसे नहीं चलती। भोग भूमि भाग भरोसे चलती है और यहाँ पर जो है कर्म, जो है कर्म भरोसे चलती है। यदि व्यक्ति सम्यक पुरुषार्थ करे तो भाग की रकीले बदल सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आएगा कर्मोदय में तो आएगा, लेकिन उसे विचलित नहीं कर पाएगा। ये नहीं है कि कर्म को टाल दे, कर्म तो आएगा लेकिन विचलित नहीं कर पाएगा। और कई बार तो अपने पुरुषार्थ से कर्म को टाल भी देगा, वो ऐसा निमित्त ही नहीं मिलाएगा, ऐसे क्षेत्र में ही नहीं जाएगा, ऐसे लोगों की संगति में नहीं जाएगा जिनकी संगति में जाने से हमारे बुरे भाव होते हो, ऐसे लोगों की संगति में नहीं जाएगा जहाँ क्रोध जागता हो, ऐसे लोगों के बीच में नहीं उठतेगा जहाँ हमारे परिणाम बिगड़ते हो। वो अपनी संगति बदल देगा, अच्छे लोगों की संगति करेगा, अच्छे क्षेत्र में जाएगा, अपने काल को हजार समय जहाँ अच्छा रूप बना के रखेगा। कर्म इंतजार करते करते थक जाएगा कि जब ये किसी गंदे स्थान पर जाए तो मैं आऊँ, लेकिन वो टल जाता है। यह असंख्यात गुणी निजरा क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग महानु कुछ नहीं है, अपने लिखी हुई लकीरों को बदलने का नाम मोक्ष मार्ग है। अपने बांधे हुए कर्मों को फल नहीं देने देना, उनको निर्जरा कर देना मोक्ष मार्ग। असंख्यात गुण निर्जरा क्या है, पुरुषार्थ ही तो है, बाकी रकीलों को बदल रहा है। पंचम स्थान में पहुंच गया, अयस्कीर्ति नाम कर्म के उदय को समाप्त कर दिया। सप्तम गुण स्थान में पहुंच गया, असाता वेदनी कर्म सत्ता में भरी पड़ी है, लेकिन वो ध्यान में बैठ गए, अब असाता क्या कर रही। यानी जितना भी जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ है, ये सब भाग्य को बदलना है, भाग की रकीलों को बदलना है। पुण्य का उदय आया है, सब कुछ वैभव मिलेगा। ज्ञानी कहता मैं सब छोड़ता हूँ। अब बोलिए, सारा परिवार चक्रवर्ती पद सब कुछ भोगने के लिए मिला था, उसने त्याग कर दिया, मैं त्याग करता हूँ, भाग की रकील बदल दी। भाग्य कहता है तू चक्रवर्ती बनेगा और चक्रवर्ती बन रहा है, सम्यक दृष्टि कहता है मैं महाराज बनूंगा। भाग्य कहता है कि तुझे सिंहासन पर बैठना है, तुम्हारे साथ इतने घोड़े इतने हाथी रहेंगे, पालकी रहेंगे, रथ रहेंगे। सम्यक दृष्टि कहता है मैं पैदल चलने का नियम लेता हूँ। अब पुण्य क्या कह रहा है, तेरी किस्मत में 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, इतने रथ हैं, तू जमीन पर पैर ही नहीं रखेगा, ये भाग्य में लिखा के लाया है, भाग की रकील है। सम्य दृष्टि कहता है मैं पैदल चलने का नियम लेता हूँ। अब वो पुण्य क्या करेगा, भाग्य में लिखा के आया है कि बढ़िया रत्नों जड़े कपड़े पहने, हार मुकुट सब पहन के जाता है, पुण्य है उसका इतना, सोना चांदी सब पहने, इतना पुण्य है उसका अपरंपार। सम्य दृष्टि कहता है मैं वस्त्राभरण का त्याग करता हूँ, पुण्य की रकीर बदल दी। चौके में देख लीजिए, इतना पुण्य है उसका, सारे लोग सब लेकर खड़े हुए हैं, बिना पुण्य के संभव नहीं है। भाग्य में लिखा है कि सब 56 प्रकार की व्यंजन बने हैं, मिठाइयाँ बनी हैं, भोजन बना है, सब बना के रखा है। साधु का तब कहता है मेरा त्याग है, भाग की रकील बदल दी। भाग कहाँ तक लाया था, साधु के भाग से श्रावक के लिए मन में आया कि आज अपन ये चीज़ बनाएंगे, थाली तक लाया। भाग चल रहा है, काम अभी चल रहा है, भाग दे रहा है। साधु ने कहा भाग की रेखा को बदलता हूँ, मेरा त्याग है। अब भाग की रेखा बदल दी कि नहीं, यदि भाग्य में नहीं होता तो वो थाली में भी नहीं आता। तो भाग्य की रेखाओं को चाहे पुण्य की हो चाहे पाप की हो, यदि व्यक्ति समीचीन दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक पुरुषार्थी है, तो अपने भाग की रकीलों को बदल देता है। ऐसे ऐसे अशुभ कर्म के उदय शुभ में बदल जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसको, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आते अशुभ कर्म उदय में प्राण ले लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसका द्रव्य छेद काल भाव ऐसा था।
ऐसे द्रव छेद का आलभाव में बैठा था कि वहाँ कोई उसका कुछ कर ही नहीं सकता, बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं है, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म की प्रधानता है, भाग्य की प्रधानता नहीं है। अपना यदि समीचीन पुरुषार्थ है तो बहुत कुछ हम इन बाधाओं को टाल पाए या ना टाल पाए, लेकिन बाधाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा एक सिद्धांत है, जब कोई लोग कहते महाराज जी ये कार्यक्रम हो रहा है, कोई प्रकृति बाधा नहीं आ जाए, तूफान नहीं आ जाए, बरसात नहीं आ जाए, पानी नहीं आ जाए कार्यक्रम, तो मैं कहता महाराज जी आप कुछ करिए। मैंने कहा ध्यान रखना, मेरा नियम है प्रकृति को कभी रोकूंगा नहीं और प्रकृति से कभी रुकूंगा नहीं। प्रकृति को कभी रोकूंगा नहीं और प्रकृति से कभी रुकूंगा नहीं। उसको जो करना है करना दो, उसको मैं क्यों रोकूं? और वो कौन होती है मुझे रोकने वाले? यदि ये हमारा दृढ़ संकल्प है सब संभव। प्रकृति ने कहा आगरा के अंदर की आग लगेगी, लगाओ, मेरा पंचकणक वहीं होगा। बस मैंने आग को कह दिया कि मैं तुझे नहीं रोक रहा हूं, तू मुझे नहीं रोक पाई। ऐसा भयंकर आग लगी, ऐसी भयंकर, सब हताश हो गए। सबने कहा कि नहीं, आप उस स्थान पर तो पूरा 15 मिनट के अंदर तो खाक हो गया था, सब राख हो गया। सब लोगों ने कह दिया कि नहीं, अब तो पंचकणक मंदिर में कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, ध्वजारोहण जहां हुआ था पंचकणक वहीं होगा, वहीं पंचकणक होगा। चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। मैंने पंचकल्याणक का स्थल निश्चित किया है, पंचकणक वहीं होगा। शाम को 4 बजे आग लगी थी, सुबह से कार्यक्रम थे सब, मैंने पंचकणक वहीं होगा। प्रकृति ने पूरी ताकत लगाई, मैंने प्रकृति कह दिया देख प्रकृति मैंने तुझे नहीं रोका, तुझे आग लगाना थी लगा दी, तुझे भस्म करना था कर दिया। अब ये भी सुन लो, साधु की भी सुन लीजिए, साधु प्रकृति से रुकता नहीं है, मैं रुकूंगा नहीं, पंचकणक वहीं होगा। और क्या ठाट से पंचकणक हुआ, क्या ठाट से हुआ कि अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं वाले पंचकणक नहीं होते। तो बस अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विल पावर, चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। यदि ये दृढ़ संकल्प है तो भाग्य की रकीलें बदल जाएंगी, भाग्य की रकीलें आ भी जाएंगी तो भी तुम्हारी गति को रोक नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग विल पावर।